नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय बैटरी और इन्वर्टर इंडिया के हर घर की मुख्य जरूरत बन चुका है। अक्सर हम बैटरी और इन्वर्टर पर वीडियो लाते रहते हैं, पर आज के इस वीडियो में बैटरी से संबंधित कुछ जानकारियां आपसे शेयर करने वाले हैं। बहुत से व्यूअर और उपभोक्ताओं के अक्सर फ़ोन और कॉमेंट आते रहते हैं कि हमारी बैटरी पानी बहुत सोख रही है, बैटरी गर्म हो जाती है, बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है और बैटरी लाइफ से पहले ही ख़राब हो रही है, बैकअप भी पूरा नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, आज इन सभी समस्याओं का समाधान करते हुए और इनका कारण बताते हुए यह वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, यदि बैटरी पानी ज़रूरत से ज़्यादा सोखने लगती है तो इसका क्या कारण है और क्या इसका समाधान है? बैटरी के पानी ज़रूरत से ज़्यादा सोखने का सबसे बड़ा कारण होता है ओवर चार्जिंग का। दूसरा कारण होता है कि यदि आपने बैटरी में लगातार अशुद्ध पानी डाला है तब भी बैटरी पानी ज़्यादा सोखने लगेगी। और एक तीसरा कारण होता है कि यदि बैटरी का यूज कम है और चार्जिंग अधिक है तब भी बैटरी पानी ज़्यादा सोखने लगेगी। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस होता है या बैटरी की प्लेट का केमिकल घुलकर बैटरी की तली में बैठ जाता है, या कई बार बैटरी में पानी डालना याद नहीं रहता और कुछ दिन बैटरी यदि ड्राई चल जाती है तब भी बैटरी पानी अधिक सोखने लगती है। तो दोस्तों, यदि ओवर चार्जिंग के कारण आपकी बैटरी पानी अधिक सोख रही है, अपने इन्वर्टर को चेक कराएं कि आपका इन्वर्टर 14.5 वोल्ट तक चार्जिंग कट ऑफ करता है या नहीं। यदि नहीं कर रहा है तो अपने इन्वर्टर को दुरुस्त कराएं, बैटरी पानी सोखना बंद कर दे। ओवर चार्जिंग का एक कारण होता है कि कुछ उपभोक्ता सोलर पैनल लगा लेते हैं परंतु सोलर कंट्रोलर नहीं लगाते, तो ऐसा न करें। यदि डायरेक्ट आप सोलर पैनल बैटरी पर लगा देंगे और बैटरी लगातार यूज नहीं हो रही है तब सोलर पैनल भी बैटरी को ओवर चार्ज कर देता है, क्योंकि सोलर पैनल 20 वोल्ट तक चार्जिंग कर सकता है आपकी बैटरी को और बैटरी की चार्जिंग 14.8 वोल्ट से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा कारण होता है अधिक चार्जिंग। दोस्तों, यदि आपका यूज कम है और चार्जिंग बैटरी को आप अधिक कर रहे हैं, जैसे कुछ उपभोक्ता बैटरी को चार्ज करने के लिए इन्वर्टर के साथ एक्सटर्नल बैटरी चार्जर लगा लेते हैं जिसमें चार्जिंग कट ऑफ सिस्टम नहीं होता, वह चार्जर बैटरी को लगातार चार्ज करता रहता है और साथ में इन्वर्टर भी चार्ज करता है और बैटरी का आप यूज कम कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपकी बैटरी पानी अधिक सोखने लगेगी। तीसरा बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है जो अक्सर 90% उपभोक्ता गलती करते रहते हैं। यूजर क्या करता है कि अपने हैंड पंप से पानी लेता है और बैटरी में डाल देता है। यदि ऐसे पानी से आपने अपनी बैटरी को कई बार फिलिंग कर लिया है तब बैटरी के खराब होने के चांस भी बढ़ जाते हैं और बैटरी पानी भी ज़्यादा सोखने लगती है। बैटरी जब चार्ज होती है या डिस्चार्ज होती है तब बैटरी के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रोकेमिकल अभिक्रियाएँ चलती रहती हैं जो अशुद्ध पानी के कारण धीमी पड़ जाती हैं और बैटरी की चार्जिंग हार्ड हो जाती है। सादे पानी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और लोहे के लवण भी मिश्रित होते हैं जो बैटरी के अंदर चले जाते हैं और धीरे धीरे इस प्रकार इन अशुद्धियों के बढ़ जाने से बैटरी के आयनन में और इलेक्ट्रोकेमिकल अभिक्रियाओं में रुकावट पैदा होती है, जिससे बैटरी की चार्जिंग हार्ड हो जाती है, बैटरी गर्म होने लगती है और बैटरी पानी भी अधिक सोखने लगती है। और सबसे बड़ा नुकसान होता है कि बैटरी पावर लॉस अधिक करने लगती है। तो ध्यान रखें, जब भी बैटरी में पानी आपको डालना है तो या तो आरओ का पानी डालें या मार्केट से रिफाइंड हुआ वाटर आता है उसको डालें, या सबसे अच्छा स्रोत आपके पास होता है कि वर्षा का पानी आप इकट्ठा कर लें और पूरे साल उसको डालते रहें। जब भी बरसात शुरू होती है, एक दो बारिश के बाद वातावरण जब शुद्ध हो जाता है, उसके बाद जो बारिश होगी आप उस वर्षा के पानी को एकत्रित कर सकते हैं, जो कि सबसे अच्छा रहता है। क्योंकि यदि मार्केट से भी आप पानी ला रहे हैं तब भी इस बात की 100% गारंटी नहीं है कि वह पानी शुद्ध होगा। तो कोशिश करें कि बार बार अपने हैंडपम्प का पानी ना डालें, बीच बीच में शुद्ध पानी भी बैटरी के लिए प्रयोग करते रहें।
बैटरी को चार्जिंग कितने एम्पियर से करना चाहिए। बैटरी के ऊपर लिखा हुआ होता है 150 एएच या 200 एएच, C10 या C20 या C5, यह बैटरी की रेटिंग होती है। यदि बैटरी के ऊपर उसकी रेटिंग नहीं डली हुई है तो आप उस बैटरी को खरीदने से बचें। C10 या C20 इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आपकी बैटरी पर 150 एएच लिखा हुआ है और वह C10 रेटिंग की बैटरी है, तो आप 150 को 10 से भाग करिए, 15 आता है। इसका मतलब यह है कि आपको जो अपनी बैटरी चार्ज करनी है वह 15 एम्पियर से चार्ज करनी है। 15 में 20 एम्पियर तक हो जाए, इससे ज़्यादा चार्जिंग ना हो। और यदि आपकी बैटरी C20 रेटिंग की है, 150 एएच की है, तो 150 एएच को आप 20 से 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.5। इसका मतलब यह है कि आपको 7.5 एम्पियर से अपनी बैटरी चार्ज करना है। आप इसमें 10 एम्पियर तक उसको चार्ज कर सकते हैं, और यदि आप इससे ज़्यादा उसको चार्ज कर रहे हैं, 15 एम्पियर से, 20 एम्पियर से या 25 एम्पियर से आप उसको चार्ज कर रहे हैं, तो बैटरी की लाइफ तो घटेगी ही घटेगी, साथ में वह पानी भी अधिक सोखेगी, गर्म भी होगी और बैटरी में ब्लास्ट होने का भी खतरा रहेगा। और यह C10 या C20 रेटिंग सभी बड़ी छोटी बैटरियों पर मेंशन होता है, जैसे कि मेरे पास यह एक छोटी सी बैटरी है 7 एम्पियर की SMF और 12 वोल्ट 7.2 AH और C20 रेटिंग की यह बैटरी है। तो यहाँ इसका हमको यदि यह निकालना है कि कितने एम्पियर पर चार्ज करना है, तो हम यहाँ पर 7.2 को 20 से डिवाइड करेंगे तो उतने एम्पियर तक इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि कभी कभी बैटरी बिना यूज किए ही डिस्चार्ज होने लगती है, यह क्यों होता है और इसके लिए क्या करें। बैटरी के अंदर दो तरीके की प्लेटें होती हैं, जैसे कि यह नेगेटिव प्लेट है और यह पॉजिटिव प्लेट है। समझाने के लिए दो पेंसिल ली गई हैं। बैटरी के अंदर सेल के अंदर दोनों प्लेटें आपस में पास पास रखी जाती हैं। अगर इनको दूर दूर रखा जाएगा तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जितना भी इनको नज़दीक रखा जाता है बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होता है। इस सारी प्रक्रिया के बारे में कभी किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। और इनके बीच में एक तरीके का सेपरेटर लगाया जाता है जो इनको आपस में टच नहीं होने देता, इनको अलग अलग भी रखता है और प्लेटों के बीच की दूरी भी कम हो जाती है। सेपरेटर का कार्य होता है कि यह दोनों प्लेटों को आपस में टच नहीं होने देगा, क्योंकि यदि दोनों प्लेटें आपस में टच हो जाएंगी तो बैटरी के अंदर होने वाली इलेक्ट्रोकेमिकल अभिक्रिया रुक जाएगी और दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रॉन आपस में यहीं से एक दूसरे को सप्लाई होने लगेंगे। जो इलेक्ट्रॉन हमारे लोड में से होकर या वायर में से होकर गुजरने थे वह यहीं से आपस में मूवमेंट करने लगेंगे और हमारा जो करंट वायर में से आना था वह बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या होता है, कभी कभी हमारा सेपरेटर बीच में से टूट जाता है या लीकेज हो जाता है, तो उस समय दोनों प्लेटों के बीच बिना यूज किए रखे रखे ही इलेक्ट्रॉन या आयन एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर जाने लगते हैं, जिससे बैटरी रखे रखे ही डिस्चार्ज होने लगती है। इसका दूसरा कारण यह भी होता है कि कभी कभी जो हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट होती हैं ओवर चार्जिंग के कारण या पानी की अशुद्धियों के कारण या प्लेटों की क्वालिटी हल्की होने के कारण, तो प्लेटों के ऊपर जो केमिकल लगा हुआ होता है वह केमिकल घुल करके बैटरी के नीचे तली में बक्से में बैठने लगता है, और जिस समय वह बहुत अधिक संख्या में बैटरी के बक्से में नीचे बैठ जाता है तो नीचे से दोनों प्लेटों को वह शॉर्ट कर देता है। और जब दोनों प्लेटें नीचे से शॉर्ट हो जाएंगी, उस समय चाहे हमारा सेपरेटर ठीक भी होगा तब भी दोनों प्लेटें आपस में शॉर्ट हो जाती हैं और बैटरी रखे रखे डिस्चार्ज होने लगती है। इसके लिए दोस्तों एक आपको छोटा सा तरीका बताते हैं, उसको आप अपना कर अपनी बैटरी को ठीक कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो क्योंकि बैटरी तो वैसे भी ख़राब हो चुकी है, आपको करना क्या होता है कि बैटरी को पहले फुल चार्ज करना होता है। फुल चार्ज का मतलब आप उसकी ग्रेविटी हाइड्रोमीटर से उसको चेक कर लें कि उसकी ग्रेविटी 1200 या 1250 हो जानी चाहिए। बैटरी के ढक्कन खोलकर उसको उल्टा कर दें, उल्टा करके जैसे ही पूरा एसिड उसमें से निकल जाए, एसिड के साथ आप देखेंगे कि उसमें से कुछ गंदगी भी निकलेगी, वह गंदगी प्लेटों के ऊपर लगा हुआ केमिकल होता है।
और यदि वह बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है तो भी आपकी बैटरी कामयाब नहीं होगी। उसको निकालने के बाद आपको करना यह है कि आप मार्केट से बैटरी का एसिड, तकरीबन 1200 ग्रेविटी का एसिड होना चाहिए, उसको आप अपनी बैटरी में डालें। ध्यान रहे कि प्लेट से लगभग आधा इंच ऊपर तक वह सोल्यूशन आ जाए, तब आप अपनी बैटरी को चार्ज करें। इस प्रकार यदि बैटरी चल जाती है तो समझ लीजिए कि बैटरी ठीक हो गई, अभी वह चलेगी, और यदि नहीं चल पाती तो समझ लीजिए कि बैटरी की जो प्लेटें हैं वह पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी हैं। इस प्रकार दोस्तों, यदि बैटरी के संबंध में आपके कोई और भी प्रश्न हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, लाइक करना, कमेंट करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।